मैकेनिज्म के उपयोग संबंधित प्रयोगों की श्रृंखला में आज हम तीसरे उदाहरण का अध्ययन करेंगे। तीसरा उदाहरण आपका पूर्णांकों के योग से ही रिलेटेड है, पर इसमें अब हम तीसरे केस का अध्ययन करेंगे कि जब दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं तो उस केस में हम नियम का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। अगेन टीचिंग एड इंटीजर टेल्स का यूज करेंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्लू टेल है वो पॉजिटिव इंटीजर को और रेड टेल नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही इन दोनों टेल्स का ग्रुप जीरो को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही अब हम रूल फॉर्मूलेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए फिर से तीन एग्जांपल्स लेते हैं, तीन प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसको इंटीजर टेल्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीन प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम में हमें ऐड करना है +3 और +4 पॉजिटिव इंटीजर्स को। दूसरी प्रॉब्लम में ऐड करना है +2 और +3 पॉजिटिव इंटीजर्स को। तीसरी प्रॉब्लम में ऐड करना है +4 एंड +2 को। अगर हम पहली प्रॉब्लम देखें तो +3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसके लिए हम ब्लू टाइप लेंगे, और चूंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है तो 3 ब्लू टाइल्स लेंगे। इसी तरह से +4 भी पॉजिटिव इंटीजर है, ब्लू टाइल लेंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है तो 4 ब्लू टाइल्स लेंगे। और यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो कोई भी इसमें रेड टाइल है ही नहीं, तो कोई भी रेड और ब्लू का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो कुल आपके पास सभी टाइल्स ब्लू टाइल्स हैं। तो आपकी कुल मिला के ब्लू टाइल्स हुई 7 ब्लू टाइल्स, इसलिए आपका आंसर हुआ +7। इसी तरह से दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। +2 अगेन पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए ब्लू टाइल लेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है तो 2 ब्लू टाइल लेंगे। इसी तरह से +3 भी पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ब्लू टाइल और 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 3 ब्लू टाइल्स लेंगे। अगेन इस तरह से आपके पास कुल ब्लू टाइल्स की संख्या है 5, इसीलिए आंसर हुआ आपका +5। अब तीसरी प्रॉब्लम को हम टाइल्स की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। +4 के लिए हम 4 ब्लू टाइल्स लेंगे और +2 इंटीजर के लिए हम 2 ब्लू टाइल्स लेंगे, और इस तरह से हमारे पास कुल ब्लू टाइल्स हुई 6, और इसीलिए आंसर हुआ +6। जैसा कि हम पिछले दो वीडियोस में करते आए हैं, इन तीनों प्रॉब्लम्स को एक साथ देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे और इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं उसकी हेल्प से नियम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहली प्रॉब्लम में +3 और +4 पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ने पे हमें मिल रहा है आंसर +7। दूसरी प्रॉब्लम में +2 और +3 पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ने पे हमें आंसर मिल रहा है +5। तीसरी प्रॉब्लम में +4 और +2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे हमें आंसर मिल रहा है +6। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स में हम देख रहे हैं, पहला यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने जोड़ा है, और यदि हम सिर्फ आंसर्स को देखें तो हम ये पाते हैं कि आंसर हर सिचुएशन में पॉजिटिव इंटीजर ही आया है। इसके आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ने पर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। तो ये तो हुई कि हम किस टाइप का इंटीजर मिलता है। अब उस इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी उसके लिए दोबारा से हमें विश्लेषण करते हैं।
अब यदि विश्लेषण करने के लिए हम अगेन थोड़ी देर के लिए जो न्यूमेरिकल साइन है उसको भूल जाएंगे, जो इंटीजर्स का साइन है उसको भूल जाएंगे कि किस टाइप का इंटीजर है, और सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में यदि हम देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू 3, 4 और आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू 7 में क्या रिलेशन है, तो 3, 4 और 7 यानी कि 3 और 4 को ऐड करने पे 7 मिल रहा है। इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम में यदि हम देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3 और आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 में क्या रिलेशन है, तो 2 और 3 को ऐड करने पे 5 मिल रहा है। इसी तरह से तीसरी प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल वैल्यू 4 और 2 आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू 6 में क्या रिलेशन है, 4 और 2 को ऐड करने पे 6 मिल रहा है। तो इसके आधार पे हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ा जाता है तो जो आंसर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों इंटीजर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू के एडिशन के बराबर होती है। व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड टू गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द आंसर। इन दोनों निष्कर्षों को मिला के हम एक रूल फॉर्मेशन करते हैं। जब दो धनात्मक पूर्णांक जोड़े जाते हैं तब हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही उत्तर में प्राप्त होता है, और साथ ही साथ उत्तर में प्राप्त धनात्मक पूर्णांक की न्यूमेरिकल वैल्यू प्रश्न में दिए गए पूर्णांकों की न्यूमेरिकल वैल्यू के योग के बराबर होती है। तो ये हमारा नियम बन जाता है कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो उसके लिए ये आपका नियम बन गया। अब इस नियम के आधार पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। उन प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्वियसली लार्जर है, तो प्रॉब्लम्स इस तरह से हैं। ये आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको करने की कोशिश कीजिए। सभी प्रॉब्लम्स में दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको आंसर में भी पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, और आंसर में जो इंटीजर होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रश्न में दिए गए इंटीजर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू के योग के बराबर होगी। होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आप अपने आंसर की जांच कर सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको लेसन प्लानिंग में हेल्प करेगी। थैंक्स।